अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने आज मानस भवन में आयोजित विश्व गीता प्रतिष्ठानम कार्यक्रम में कहा कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा में गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने के लिए संकल्प पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि गीता ग्रंथ को हर घर में पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि इसे संस्कृत भाषा की जगह जन भाषा में अनुवादित किया जाए। जिस प्रकार से रामचरितमानस जन भाषा में लिखे होने के कारण आज यह हर घर में प्रतिष्ठित है, साधारण जन भी इसकी सरल भाषा के कारण अखंड मानस पाठ और दैनिक मानस पाठ करते हैं, जबकि गीता ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे होने के कारण सामान्य जन को यह क्लिष्ट लगती है। संस्कृत भाषा को देवों की भाषा कहा गया है, लेकिन आज संस्कृत भाषा जानने वाले बहुत कम हैं। इस कारण से सामान्य जन गीता ग्रंथ को कम ही पढ़ते हैं, अतः इसे जन भाषा में अनुवादित किया जाए। उन्होंने कहा कि हम विदेशी मेहमानों के आने पर स्मृति चिन्ह के रूप में उन्हें ताजमहल की प्रतिकृति देते हैं, उसी प्रकार इसमें बदलाव कर हम अपने मेहमानों को गीता ग्रंथ भेंट करें। उन्होंने कहा कि साख्य योग एवं कर्म योग में कर्म ज्ञान एवं भक्ति का रास्ता बताया गया है, लेकिन कर्म के स्थान पर हम भाग्य को अधिक प्राथमिकता देते हैं। गीता में कृष्ण जी ने कर्म को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि संस्कृत को देव भाषा कहा गया है, लेकिन संस्कृत भाषा इस प्रचलन में नहीं है। इस कारण से गीता ग्रंथ को जन जन में वह प्रतिष्ठा नहीं मिली जो उसे मिलना चाहिए, जबकि रामचरितमानस में जनभाषा होने के कारण प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। उन्होंने कहा कि आधुनिक समय में बच्चों को हम विद्या के स्थान पर शिक्षा दे रहे हैं, इस कारण से हमारे बच्चे संस्कारित नहीं हो पा रहे हैं। विद्या से हमें संस्कार एवं परंपरा का ज्ञान प्राप्त होता है, जबकि शिक्षा से हम नौकरी प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि गीता ग्रंथ में कर्म योग, भक्ति योग एवं ज्ञान योग तीनों का ज्ञान बताया गया है। आवश्यक है कि गीता का स्वाध्याय अधिक से अधिक लोग करें। विश्व गीता प्रतिष्ठानम के डॉक्टर विष्णु नारायण तिवारी ने संस्था की जानकारी देते हुए बताया कि महाकाल की नगरी उज्जैन में कृष्ण जी ने संदीपनी ऋषि के आश्रम में ज्ञान प्राप्त किया। गीता ग्रंथ का उद्गम स्रोत उज्जैन है। संस्था का प्रयास है कि राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय गान की तरह हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ गीता हो। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में गीता जयंती आयोजित की जाए। उन्होंने कहा कि रीवा जिले में गीता भवन का निर्माण किया जाए। गीता ग्रंथ को प्रतिष्ठापित करने के लिए गीता स्वाध्याय मंडल का गठन किया गया है। कार्यक्रम में स्वामी रंगनाथचार्य, उपाध्यक्ष रामधार द्विवेदी, महामंत्री विष्णु नारायण तिवारी, विष्णु प्रसाद शर्मा, जेएल त्रिपाठी, हरिनारायण शर्मा, श्रवण कुमार उपाध्याय, महेश प्रसाद पांडे, मन्नूलाल गुप्ता, पुष्पेन गौतम सहित श्रद्धालु जन उपस्थित थे। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।